लगे। बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया निकाह है। फरमाया जब रिज़क तंग होने लगे सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज़्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है और अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज़्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया अन्निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे तुम फकीर हो, वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा। मियां जिसने आना है उसने अपना रिज़्क लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए रिज़्क नसीब हो। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज़्क बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज़्क के बटने का वक्त होता है। और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें। उस वक्त रिज़्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो